नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से आ रही है। जी हां, इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से बताई। फिरोजाबाद के थाना उत्तर के जिला अस्पताल परिसर के स्टोर रूम में लगी आग। घटना की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। बिजली शॉर्ट सर्किट होने की वजह सामने आ रही है। जी हां, हालांकि आग से किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। मामला है थाना उत्तर के जिला अस्पताल परिसर का, जहां सोमवार की दोपहर जिला अस्पताल के स्टोर रूम में अचानक आग लगने की खबर से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर अस्पताल प्रशासन के साथ फायर ब्रिगेड की कर्मचारी आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग को बेकाबू होने से पहले ही बुझा दिया। जहां घटना के पीछे बिजली का शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। हालांकि आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। सूचना पर आए थे, किस तरीके का सूचना दी गई थी, क्या मामला रहा? ये जिला चिकित्सालय का जो ओपीडी वार्ड है उसके पीछे एक स्टोर रूम है, उसमें शॉर्ट सर्किट होने से जो है कबाड़ा वगैरह भरा था, उसमें आग चल गई और ज़्यादा नहीं फैली और तुरंत बुझा दी गई। क्या कोई नुकसान वगैरह भी हुआ? कोई विशेष नुकसान नहीं है, बट एहतियात के तौर पर अभी चेक किया जा रहा कहाँ से क्यों हुआ ये शॉर्ट सर्किट, और इनको आवश्यक एहतियात बरतने के लिए निर्देश दिए गए हैं, और बाकी जो कमी है उसको नोटिस देकर इसको ठीक कराया जाएगा। धन्यवाद।